हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत 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 अच्छे हों और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अभी मैं लेके आई हूँ क्रियांश को, क्योंकि क्रियांश का जो स्कूल है वो 8 से 11 तक ही रहता है, मतलब पौने 8 से पौने 11 का स्कूल है। तो 11 बजे तक 5-10 मिनट ही लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं वैसे तो आने में, ज़्यादा देर दूर नहीं है। और आज पहला दिन ऐसा हुआ है कि क्रियांश नहीं रोया है न जाते हुए। हाँ, तुम आ गए अब क्रियांश बेबी अच्छा हो गया है ना, प्यारा प्यारा बच्चा हो गया ना, अब मिल पी रहे हो। अब नहीं पता है, क्रियांश अब रोता नहीं है बिल्कुल भी। सुबह को छोड़ के आती हूँ तब भी नहीं रोता है, और अभी लेके आते हैं ना पिक करने जाते हैं छुट्टी के टाइम, तब भी नहीं रोता है। अब तो गुड बॉय बन गया है क्रियांश, है ना, है ना। और रास्ते में क्या मांग रहे थे आप मुझसे? मुझे मिल्क चाहिए 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 चाहिए। कोई और बेबी रो रहा था क्या क्रियांश? हाँ। कौन रो रहा था? सब रो रहे थे। सब रो रहे थे? हाँ। अच्छा, कैसे रो रहे थे? वे, वे, रो रहे कैसे थे? एक बार वन टाइम और बता। मेरी कॉपी कर रहे थे वो सब। अच्छा, मेरे सब कॉपी कर रहे थे। देख लो। अच्छा, सभी बच्चों की मोस्टली बच्चों की यही रहता है कि जैसे स्कूल से घर पे आते हैं तो उनको सबसे पहले चाहिए टीवी। तो ऐसे ही क्रियांश भी यही है कि सबसे पहले आता है तो रास्ते में से ही बहुत बताने लगता है कि मुझे टीवी देखना है, मैं जाके टीवी देखो, खाना खाओ या मिल्क पियो। आज तो रास्ते में मिल्क मांग रहा था, क्योंकि ये सुबह पी के नहीं गया था तो इसलिए लग रहा होगा उसको कि मिल्क पीना है, मिल्क पीना है। वैसे आजकल अब तो लंच भी फिनिश करके ही आता है। इस शुरू में जब इसको एडमिशन किया था स्कूल में तब नहीं करके आता था, क्योंकि नया नई जगह रहती है, नए टीचर्स हैं, नए पूरा एटमोसफेयर नया रहता है, तो उसमें एकदम से नहीं होता है, मिक्सअप होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो अब जाके ये ठीक हुआ है कि हाँ, नहीं रोता है, आराम से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी होता है बच्चे, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, थोड़ा टाइम लगता है सब लोगों के साथ मिक्सअप होने में। अच्छा, स्कूल की बातें से तुम रास्ते में पूछो ना कि क्रियांश स्कूल में क्या क्या हुआ था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, तो रास्ते में कुछ नहीं बताता है, मम्मी घर पे जाके बताओ। तो आराम से आएगा, कपड़े चेंज करने हैं कि तब आराम से बैठ के तब बताता है कि हाँ आज ये हुआ, आज हमने डांस किया, भारत माता की जय। राष्ट्रीय गान तो होता ही है सभी स्कूल में, तो उसको बोलता है कि जनगण मन गण भारत माता की जय। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग चिल्ला के बोलते हैं। हाँ बेटा, क्या? सो प्रांकी और क्रियांश आज जो लंच में लेके गए थे वो लेके गए थे फ्राई इडली, जिसकी रेसिपी भी मैंने आपको। ओके, और क्रियांश ने अपना लंच भी फिनिश कर दिया, पीछे से यही बोल रहा है कि मेरा लंच फिनिश कर दिया। जिस दिन लंच फिनिश करके आता है तो बड़ा खुश रहता है कि मैंने लंच फिनिश किया, मैम बोली गुड बॉय, तो बहुत ज्यादा खुश होता है। जिस दिन नहीं करके आता ना, मतलब अब तो खैर करके आ रहा है, लेकिन शुरू में नहीं करता तो कोई जिक्र भी नहीं करता, तो घर पे आके फिर खाता था उसी लंच को। तो सुबह में जो ब्रेकफास्ट हमने भी किया था वो ब्रेकफास्ट में फ्राई इडली ही किया था, क्योंकि जो इनको लंच में देते हैं वही फिर बाद में हम लोग भी ब्रेकफास्ट में कर लेते हैं, अलग अलग नहीं होता है, नहीं बनाना होता है, क्योंकि क्रियांश को भी वैसी चीज देनी पड़ती है। जैसे पराठे का कोई भी सब्जी ना, इसको मैं रोल करके ही देती हूँ अगर पराठा दे रही हूँ तो, क्योंकि रोल किया हुआ ना बच्चे आसानी से खा लेते हैं, और वैसे जो पीस बना बना के खाते हैं, मतलब बाइट बना के खाते हैं, वो वैसे नहीं खा पाते कि रोटी को पराठे को तोड़ तोड़ के खाना है, तो वो नहीं खा पाते हैं। रोल किया हुआ बहुत आसानी से इजीली खा लेते हैं। तो और जिस दिन सुबह में वो प्रांकी को शौक है बहुत ज़्यादा, उसको पसंद है फ्राई इडली डोसा वगैरह ये सब बहुत पसंद है, तो जैसे आज सुबह में मॉर्निंग में फ्राई इडली लेके गई है तो वो इस टाइम आके डोसा खाएगी। तो मैं बना रही हूँ मसाला डोसा, और वो कैसे बनाया है वो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ मसाला बैंगन। तो मैंने एक टमाटो लिया है और दो चिली, ग्रीन चिली, और एक प्याज ली है, और ने उसको रफली चॉप कर लिया, और फिर बाद में कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया, और उसमें ऑयल में हमने सबसे पहले ऑनियन को डाल दिया। तो ऑनियन को हल्का सा भून लेंगे, तल लेंगे, मतलब
क्योंकि उसको हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। और उसके बाद इसमें टमाटो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको बाद में ग्राइंड करना है, पीसना है, तो हल्का सा बस सॉफ्ट ही करना है। जो भी मसाले डालने हैं इसमें वो मैं आगे बताती हूँ आपको कि मैंने किस तरीके से बनाया था। तो साथ में इसमें रफली चॉप किया हुआ टमाटो और ग्रीन चिली जो था, आप स्पाइसी जितना खाना चाहें उतना कर सकते हैं, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो, या फिर जो ग्रीन चिली है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो। तो साथ में मैंने इसमें एक चम्मच वाइट विनेगर को ऐड किया है और एक चम्मच ही ब्लैक सॉस जो सोया सॉस होती है उसको ऐड किया है, और उसको अच्छे से चला लेंगे। इसको ग्राइंड करना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और उसके बाद थोड़े से मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें डाला है धनिया पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला, ये सबको ऐड किया है। और लास्ट में सबसे जब ये अच्छे से भून जाएगा उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, जितना भी आप कुछ खाना पसंद करते हैं, मतलब कुछ लोग नती नमक नमक मिर्ची खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग कम थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं, कम नमक मिर्ची खाना पसंद करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप नमक मिर्ची को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ सॉफ्ट होने तक ही इसको पकाना है, मतलब इसको भूनना है आपको, तब यहाँ नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, और उसके बाद हम बनाएंगे डोसा, मसाला डोसा। और साथ में जो पटैटोज़ होते हैं, मतलब जो आलू बॉईल किए हुए होते हैं, जो कि मोस्टली हम डोसे के लिए यूज़ करते हैं बनाने के लिए, तो वही साथ में आलू भी पहले से मैंने तैयार करके रखा हुआ था, तो यहाँ मैंने ये इसको पीस लिया था, एक तरह से मतलब चटनी बना ली है। और थोड़ा सा इसमें एक टमाटर और एक ही प्याज को साथ ही चॉप कर लिया था चॉपर से, क्योंकि चॉपर से बारीक बारीक कट जाता है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद ये सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तवे पे जब भी हम पहला डोसा या चीला बनाते हैं तो तवे पे स्टिक हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑनियन को इस तरीके से, मतलब ऑनियन को तेल में डुबो के अगर लोहे के तवे पे आप घुमा लेते हैं, उससे मतलब ऑयल लगा लेते हैं तवे पे, तो वो डोसा बिल्कुल नहीं चिपकता है। मैंने कई बार ये ट्राई किया है, तो मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगा कि ऑनियन लो और उस पर ऑयल लगाओ और पूरे तवे पे उसी से ऑयल लगा दो, तो वो बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो और इसी के साथ मैंने डोसे को स्प्रेड किया है, और उसके साथ में जो आलू रेगुलर यूज़ होते हैं वो, और थोड़े सा जो कच्चा प्याज और टमाटर चॉप किया हुआ था बारीक बारीक से उसको लिया है, और साथ में जो चटनी बनाई थी उसको लिया है। उसको पूरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरे डोसे पे हम इसको फैला लेंगे। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आप इसको क्या कहते हैं कि और जो मूंगफली दाना की चटनी होती है उससे भी खा सकते हैं, या साथ में जो चटनी इसी टाइम बनाई हुई है उसी से भी खा सकते हैं, या फिर सांभर से भी खा सकते हैं। और आप इसको लंच में भी दे सकते हैं, लंच के लिए भी अच्छा है, ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि सब ये एकदम फ्रेश बना हुआ है, इसलिए। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैंने बना के देखा था, बहुत ही अच्छा लगा था, यम्मी लगा था। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसको सांभर के साथ, चटनी के साथ, या फिर किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगा था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।